इस वीडियो में हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों के बारे में पढ़ें। हमें आकृति में दो त्रिभुज दिए गए हैं, एबीसी और पीबीसी। हम इसमें एक रेखा खींचेंगे जो सीडी पैरेलल होगा बीए के और सीआर पैरेलल होगा बीपी के, कि डी और आर रेखा एपी पर स्थित हो। इससे आप दो समांतर चतुर्भुज पीबीसीआर और एबीसीडी प्राप्त करेंगे, जो एक ही आधार बीसी और एक ही समांतर रेखाओं बीसी और एआर के बीच स्थित है। आप प्रमेय 9.1 से हम लिख सकते हैं कि एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा पीबीसीआर के क्षेत्रफल के, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए हम दोनों सर्वांग सम चतुर्भुज को अलग अलग करके देखें। हमें यह भी पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीए के और त्रिभुज पीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीसीआर के। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर त्रिभुज का क्षेत्रफल उस पर समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, इसलिए एबीसी का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू एबीसीडी का क्षेत्रफल और पीबीसी का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू पीबीसीआर के क्षेत्रफल के। अतः पहले समीकरण के प्रयोग से हम कह सकते हैं एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है पीबीसी के क्षेत्रफल के। अभी जो हमने निष्कर्ष निकाला वह ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, तो चलिए इस प्रमेय को लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। यह प्रमेय 9.2 है। अब मान लीजिए कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एसी है। तो आइए मान लें कि एएन परपेंडिकुलर है डीसी के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एडीसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीबीए के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है, इसलिए एडीसी का क्षेत्रफल बराबर है सीबीए के क्षेत्रफल के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसको हम लिख सकते हैं एडीसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू एबीसीडी का क्षेत्रफल, जो हमें देगा एडीसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू डीसी इंटू एएन, जो है एडीसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार डीसी इंटू संगत शीर्ष लंब ऊंचाई एएन के बराबर। तो क्या आपने यहाँ ध्यान दिया? यहाँ हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त किया है, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। अतः दो बराबर क्षेत्रफलों वाले बराबर आधार वाले त्रिभुजों का शीर्ष लंब बराबर होना चाहिए, यानी कि उनका शीर्ष लंब या ऊंचाई एक ही होनी चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रमेय 9.2 का विलोम भी सत्य होगा? ऊपर ही बताई गई बातों के आधार पर इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। वीडियो को रोकें और हल करें। चलिए इसका हल देखते हैं। यह कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हमने देखा कि प्रमेय 9.2 का विलोम भी सत्य होता है, जो कुछ इस प्रकार है। एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। इसको हम प्रमेय 9.3 कहते हैं। अब हम आने वाली वीडियो में कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।